खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं आज 7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। रायबरेली जिले के बछरामा थाना क्षेत्र के सहगे गांव के पास आज सुबह बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं चार अन्य बदमाशों को मौके से पुलिस व एसओजी टीम ने धर दबोचा है। साथ ही तीन बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पकड़े गए बदमाशों को 25,000 का इनामिया भी शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस व एसओजी टीम को गौकसी की सूचना लगी थी, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके की ओर चारों तरफ से गौकस्करों की घेराबंदी की। वहीं अपने आप को पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग हुआ। पुलिस एसओजी टीम ने 25,000 के इनामिया शमशाद उर्फ सोनू व उसके 5 साथियों को धर दबोचा। वहीं 3 अन्य बदमाश भागने में सफल रहे। 25,000 के इनामिया व एक अन्य बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आइए देखते हैं रायबरेली से ये खास रिपोर्ट। दिनांक 2 और 3 नवंबर की रात्रि में तमनपुर के ऊसर में, जो थाना बछरावा में पड़ता है, वहां गोकसी की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना बछरावा में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सर्विलांस टीम को और बछरावा पुलिस को लगाया गया था। इस संबंध में आज रात मुखबिर खास की सूचना पर पता ये चला कि तमनपुर के ऊसर में आज फिर गोकसी की घटना होने की संभावना है। इस सूचना पर तत्काल सर्विलांस प्रभारी और थाना बछरावा की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर जो गोकस मौजूद थे उनकी घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया। इस क्रम में गोकसों द्वारा पुलिस की टीम पर जान से मारने की नीयत में फायरिंग भी की गई। तब पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें 2 गोकसों को पैर में गोली लगी, जिनको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिनकी बाद में पहचान रिंकू लोद जो थाना बंथरा जनपद लखनऊ का रहने वाला है और शमशाद जो थाना हरचंदपुर जनपद रायबरेली का रहने वाला है, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है, वो जो थाना हरचंदपुर से वांछित भी है। इनके द्वारा पूर्व में भी रायबरेली में 1-2 घटनाएं पहले भी की गई थी और इसके उपरांत तमनपुर के ऊसरों की कॉम्बिंग भी कराई गई थी, जिसमें 4 अन्य गोकस गिरफ्तार भी किए गए और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।